an ethics committee who is bringing corruption, asking all sorts of filthy questions. Where's the tears in my eyes? Be making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes and the tears in it. कैश फॉर क्यूरी केस में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोहित्रा की सांसदी पर भी अब खतरा नजर आ रहा है। गुरुवार यानी 9 नवंबर को संसद भवन में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक होनी है। इस दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। सभापति विनोद सोनकर गुरुवार को होने वाली एथिक्स कमेटी की बैठक में इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर मोहर लगवाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा संभावना इस बात की है कि कमेटी की इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए वोटिंग करवाने की भी नौबत आ सकती है। फिर इस रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने रखा जाएगा। विभिन्न एजेंसियों के मुताबिक करीब 500 पन्नों की रिपोर्ट में महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश है। एथिक्स कमेटी पैसे के लेन देन के मामले की जांच करने की सिफारिश भी कर सकती है। एथिक्स कमेटी ने इस पूरे मामले पर विस्तार से लगभग 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट में महुआ मोहित्रा और इस मामले से जुड़े तथ्यों को गवाह के रूप में कमेटी के सामने पेश करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनंत देहादराई से किए गए तमाम सवालों और जवाबों को शामिल कर सकती है। समिति ने टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा पर लगे आरोपों को काफी गंभीर मानते हुए उनके आचरण को आपत्तिजनक और अनैतिक करार दिया है। इसी के आधार बनाकर समिति अपनी रिपोर्ट में महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करने जा रही है। अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कमेटी ने भारत सरकार से इस पूरे मामले की समयबद्ध, गहन, कानूनी और संस्थागत जांच की सिफारिश करते हुए महुआ मोहित्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों के लेन देन की भी गहन जांच करने की सिफारिश की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस बीच बुधवार को दावा किया कि लोकपाल ने टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस पर महुआ ने कहा कि सीबीआई को पहले अडानी ग्रुप के कथित कोयला घोटाले की जाँच के लिए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जानकर अच्छा लगा कि मोदी जी का लोकपाल अभी जिंदा है। निशिकांत दुबे ने महुआ मोहित्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया है। इसको लेकर तमाम जांच इससे पहले भी चल चुकी हैं। महुआ मोहित्रा एक बार एथिक्स कमेटी के सामने पेश भी हो चुकी हैं। हालांकि महुआ मोहित्रा ने लगातार इन सभी आरोपों को नकारा है। महुआ ने किसी भी तरह का आर्थिक लाभ हासिल करने के आरोपों से साफ इनकार किया है। पिछली बार वो एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी। हालांकि महुआ मोहित्रा ने तब एक उल्टा आरोप लगाते हुए यह कहा था कि एथिक्स कमेटी में सारे पुरुष थे और उनसे तमाम आपत्तिजनक और असहज करने वाले सवाल पूछे गए थे। अब एक बार फिर महुआ मोहित्रा को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है, लेकिन ये मामला फिलहाल महुआ मोहित्रा के लिए गंभीर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि संकट अब उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर महुआ मोहित्रा की पार्टी टीएमसी ने फिलहाल चुप्पी साधे रखी है। टीएमसी ने कहा है कि इस पर महुआ को ही अपना बचाव पक्ष सामने रखना होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।